हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्वाद फूड ऑफिस चैनल पे। और भाई आज मैं आया हूँ चौरा रास्ता में। चौरा रास्ता में आपको खिलाने वाला हूँ ना जयपुर की मोस्ट फेमस हींग की कचौरी, जो कि भाई आपने कभी नहीं खाई होगी। और इनके यहाँ पे ना मतलब जो भी सर्व करते हैं, जैसे कचौरी वगैरह समोसा वगैरह जो भी सर्व करते हैं, वो ना ही चटनी में करते हैं, ना ही किसी कढ़ी वगैरह में करते हैं, ये सर्व करते हैं भाई दही में, जो कि भाई बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। और इनकी जो नमकीन है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अभी चलते हैं और पता करते हैं कि इनका कम से कम स्टार्ट हुआ इनकी और ये शॉप कितनी पुरानी है। तो आइए लेट्स गो। भाई खाने से पहले हम ले लेते हैं भाई रिव्यू कि इनको यहाँ के टेस्ट कैसे लगता है। तो भाई आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। तो भैया कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं इनको 2003 से जानता हूँ। अच्छा, तो आप अभी क्या क्या लेते हैं मोस्टली, कौन सी कचौरी लेते हैं? हिंग की कचौरी जो इनकी मोस्ट पॉपुलर भी है। और इस चौराहे पर आते ही ऐसा फील होता है कि इनकी जो हिंग की कचौरी खुशबू है ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे खींच के लाती है। और इनका जो टेस्ट आज 2003 से आज तक, पहले मेरा ये इधर ही ऑफिस था तो वह को टेस्ट बाकायदा मतलब इन्होंने मेंटेन कर रखा है। और इस चौराहे पर आते ऑटोमेटिक अगर आपकी इच्छा नहीं होती भी आपको मन करेगा, मतलब वो बोलता है, स्वाद बोलता है, जो स्मेल आती है इनकी वो बिल्कुल है ना जी। और बिल्कुल गरम गरम कचौरी देते हैं तो गरम की चीज तो बात लगी होती है ना। बिल्कुल, तो आपने देख रख लिया है। तो अगर मैं रेटिंग की बात करूँ कचौरी की, तो भाई 5 में से आप कितना देना पसंद करोगे? तो 5 में से 5 का दोगे? और अपने दोस्तों लोगों को रिकमेंड करोगे कि भाई जो भी जयपुर के बाहर रहते हैं, भी अगर हमारा बर्थडे पार्टी वगैरह होती है ना, हाँ जी हाँ जी, तो मैं यही भेजता हूँ मेरे ऑफिस बॉय को कि आप आइए यहाँ की कचौरी लाइए, है ना, होना चाहिए भैया, टेस्ट बोलता है एक तरह से। बिल्कुल, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। अभी हमारे दूसरे भाई, तो भैया आपका नाम बता दीजिए। अभिषेक। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ से 2006 से आ रहा हूँ। 2006 से आ रहे हो? हाँ। तो मतलब अभी बहुत पुराने कस्टमर हो भैया के। बिल्कुल। तो भैया आपको टेस्ट कैसा लगता है? बहुत शानदार टेस्ट लगता है। हाँ, और बढ़िया मसाला होता है बिल्कुल तरीके से। हींग का मतलब क्या, डाइजेस्ट के लिए भी काम आता है? तो वो तो बात की बात है। अच्छा। तो एक मजा आ जाता है। मजा आता है स्पेशली आया अभी त्रिपोलिया की तरफ आया। हाँ जी हाँ जी। पर बोले यार भैया की कचौरी खा के जानी है तो स्पेशल घूम के आया। हम तो करते हैं, हम तो कभी दोस्तों में भी आते हैं कि चलो कचौरी खा के आते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया बात। सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि जब भी आते हैं तो कचौरी गर्म ही मिलती है, फ्रेश मिलती है। हाँ जी, वो तो मैंने देखा है, गर्म गर्म कचौरियाँ मिलती है, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। बिल्कुल जी, थैंक यू। ऐसा नहीं है कि एक घंटे पहले बना के रखी हुई है या ऐसा। हाँ जी, होता है, जाएंगे कभी भी तो गर्म ही मिलेगी। गर्म ही मिलेगी। थैंक यू सो मच भैया, हमें टाइम दिया। तो भाई आप लोगों ने शॉप देख ही ली है और चलते हैं इनके ऑनर से बात करते हैं। तो नमस्ते भैया। नमस्कार, आपका नाम बता दीजिए। सर गोविंद। भैया कितने टाइम पुरानी शॉप है अपनी? सर ये 63 से लगभग 60। अच्छा, तो आप कौन सी पीढ़ी हैं अभी? सर तीसरी। आप तीसरी पीढ़ी हैं जी। और यहाँ पे अपना स्पेशल क्या रहता है जो लोग खाना यहाँ पे आकर प्रेफर करते हैं? मेनली हींग की कचौरी दही के साथ। दही के साथ देते हो आप? तो मतलब ना कोई चटनी ना कोई कुछ, दही? सर वो सब अपनी जगह पर है, बाकी अपनी आइडेंटिटी दही के साथ। दही के साथ? दही के साथ, अपने अलावा कोई नहीं देता। अच्छा, तो मतलब मसाला किसी का बना होता है? मतलब वैसे कचौरी दाल का मसाला होता है बेसिकली। हाँ? उसमें बहुत सारे मसाले डले हुए होते हैं बेसिकली, और स्ट्रांगली हींग डला हुआ होता है, जो हींग की कचौरी होता है डाइजेस्ट के लिए। तो ये समोसे हैं दोस्तों, ये वाली होती है इनकी कचौरी? ये इनकी कचौरी। अच्छा, और ये किस चीज़ की? मावा कचौरी। मावा, इसके अंदर क्या होता है वैसे? मावे की फिलिंग होती है, मतलब पूरी की पूरी मीठी मतलब, है ना। और आपके यहाँ पे नमकीने भी मैंने देखा है जी। आप बता सकते कौन कौन सी, कौन कौन सी नमकीन? सब अलग अलग है, लौंग की, हींग की, पपड़ी है, पुदीना, जीरा, लहसुन मिक्स। अच्छा, अपनी टाइमिंग क्या रहती है? सर टाइमिंग अपनी सुबह 6 से लेकर रात को 10 बजे तक। रात को 10 बजे तक रहती है जी। और एड्रेस बताते हैं जो भी हमारे सब्सक्राइबर आएंगे जो वीडियो देखकर। SBI बैंक की गली में। अच्छा, ये सामने SBI बैंक की गली है? पहले चौराहे पर। पहले चौराहे पर, चौरा रास्ता के अंदर जी। ठीक है भैया, तो आइए दोस्तों हम भी कुछ इनकी हींग की कचौरी और इनकी मावा कचौरी है ये ट्राई करते हैं, फिर बताते हैं हमारे अकॉर्डिंग यहाँ का टेस्ट कैसा रहता है। देखिए, और जो मेनली जो सर्व करते हैं वो भाई दही के साथ करते हैं, जो कि भाई हम टेस्ट करेंगे भाई दही के साथ कैसे रहते हैं। हमने जो मोस्टली हमने कढ़ी के साथ, हरी चटनी, मीठी चटनी साथ ट्राई किया है, लेकिन यहाँ पे भाई दही के साथ सर्व करते हैं, जो उनकी मेन जो आइडेंटिटी है वो दही के साथ है। तो वो ट्राई करते हैं, पता करते हैं कि हमको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भाई दही की क्वान्टिटी, और दही फ्रेश जमा हुआ होता है। आप थिकनेस देख सकते हैं यहाँ पर, पैकिंग भाई, पैकिंग भी जाती है ना यहाँ पर जी, तो यहाँ पैकिंग भी जाती है भाई। प्राइस बता सकते हैं कि ये कितने की है? 25 मावी कचौरी 25 की है। अच्छा, हींग की कचौरी सादा 15 की, दही से 20 की। अच्छा, समोसा 15 का। समोसा 15 का जी, ठीक है। तो भी आप लगा दीजिए एक तो आपकी हींग की कचौरी दही के साथ। तो भाई यहाँ पे हमारी हींग की कचौरी रेडी हो रही है, ये देखिए, और एकदम गर्मा गर्म मिलेगी। जाके भाई हमारी हींग की कचौरी दही का आप देखिए। तो भाई यहाँ पे हमने ले ली इनकी हींग की कचौरी,
कबर कबर पाई बिल्कुल ही गर्म गर्मा गर्म है। आपको मैं अगर फीलिंग की बात करूँ तो मैं फीलिंग दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म। और जो भाई हींग का जो ना स्मेल आ रही है ना हींग की, वो तो बहुत ही ज़्यादा सही आ रही है, क्योंकि गर्म गर्म है, वो गर्म गर्म खाने में मज़ा आता है। ये हमने ले ली है एक टुकड़ा, थोड़ा फीलिंग देख सकते हैं भाई कितनी सही है। तो मैं वापस दिखा देता हूँ, ये देखिए और एकदम धुआं निकल रहा है। अब ट्राई करते हैं इसके दही के साथ। दही के साथ भाई एक्सपीरियंस मेरा पहली बार है, मैंने मोस्टली चटनी के साथ कड़ी के साथ खाई है, लेकिन दही के साथ मेरा पहली बार है। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो भाई, अगर आपने जयपुर आए हो या मेरे दोस्त लोग जो भी जयपुर विज़िट करने आए या जो भी जयपुर में रहते हैं, जिन्होंने भी अगर यहाँ की कचौरी टेस्ट नहीं करी है ना, उनका यहाँ पे आना वेस्ट है भाई। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और भाई ऐसा नहीं कि आपको ऑयली चीज़ खाने के बाद आपको पेट वेट ख़राब होगा, नहीं भाई, ये बिल्कुल ही हिंकी रहती है और बिल्कुल ही गर्मा गर्म। तो भाई एक बार आप आइए और इनका टेस्ट करिए कचौरी। और भाई सही बता रहा हूँ, अगर अभी तक आपने जयपुर में होते हुए भी इनकी कचौरी ट्राई नहीं करी तो भाई आपका वेस्ट हो गया आना यहाँ पे। जो भी मेरे दोस्त लोग जो जयपुर रहते हैं उन्होंने भी अभी तक नहीं खाई, तो भाई आपने क्या ही खाया जयपुर में। ये देखिए हिंगी कचौरी हमने खाई ली है, अब खाते हैं इनकी मावा वाली कचौरी। भाई मावा वाली कचौरी भी लगा देना। तो ये भाई अगर मीठे के लिए जो हमने कचौरी ले ली है, इसके बाद क्या आएगा भैया? बेसिकली मावे की कचौरी होती है, इसको मावे की कचौरी को बनाने के बाद में इसको चाशनी के अंदर डिप किया जाता है। अच्छा, तो वो मैंने आपको उसी पर सिरप डाल के दिया। अच्छा, तो भाई देख लीजिए, आपने बहुत तरह की कचौरी खाई होगी, आलू की, दाल की, लेकिन भाई मावे की कचौरी आपने कभी नहीं खाई होगी। और ये देखिए, जैसे भैया ने बताया कि भाई जैसे ना बेसिकली जो होता है, जो इसमें मावे की फिलिंग होती है और ये इसमें मैंने चाशनी में डुबो जाता है, तो उन्होंने ऊपर से अभी हमारे सामने चाशनी डाली है, देखिए अपन देख भी सकते हैं। तो भाई मीठी कचौरी रहने वाली है और ये हमने ले ली इसकी एक बाइट, या हमें थोड़ा सिरप में डिप कर लेते हैं। भाई मीठी कचौरी का मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये वाला भी। अगर मीठी कचौरी उसके सामने है ना भाई, लड्डू, बर्फ़ी, सारी मिठाइयाँ सब फेल है, आप ये ट्राई करिए ज़रूर। अगर ये देखिए, आप फीलिंग देख ही सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल ही चाशनी में डिप और बिल्कुल ही भाई स्वादिष्ट। अगर आपने अभी तक नहीं खाई तो भाई ये भी आपका नुकसान ही है कि आपने अभी तक ट्राई नहीं करी। ओवरऑल में भाई इनकी मीठी कचौरी और इनकी कचौरी की बात करो तो भाई अभी तक मैंने क्यों नहीं खाई जयपुर में होते हुए भी, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ छूट गया था पीछे। चलो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, तो हमने ये कचौरी ट्राई करी आज। ये मिठाइयाँ पहले से सामने, तो भाई उसका जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा है। तो बार आप हाईली रिकमेंड है मेरा, क्या मैं पे आइए इनकी हिंदी कचौरी और इनकी इमाम वाली कचौरी ज़रूर ट्राई करिए। तो हमारा वीडियो यहीं तक था, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए, अलविदा।